नमस्कार दोस्त, मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो भारत में जितने भी ब्रिटिशकालीन शासन हुए, जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय थे, उन सभी से संबंधित घटनाएं हैं। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन, और इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं इन सभी पॉइंट्स को आपको ट्रिकी वे से याद करा सकूं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे पॉइंट याद भी होंगे, फिर भी जिन्हें दिक्कत हो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक देखिएगा। इसके बाद आप शायद एग्जाम में कभी भी इनसे संबंधित प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। दोस्त, मैं एक एक प्रश्न पढ़ते जाऊंगा और हर प्रश्न पढ़ने के दौरान मैं 5 सेकंड का समय लूंगा आंसर बताने में। इस दरम्यान आप प्रश्न का उत्तर देने का मन में कोशिश कीजिएगा और टिक करके रखिएगा, देखिए क्या होता है, सही होता है, कितना आप कर पाते हैं चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? पुलिस का जनक किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। ओके, इसका आंसर है लॉर्ड कर्नवालिस। बेहद आसानी से इसे याद किया जा सकता है क्योंकि पुलिस में जो शब्द है आपको दिख रहा होगा और कर्नवालिस में जो वालिस शब्द दिख रहा है, वालिस और ये रहा पुलिस। थोड़ा समझिए कि वालिस को अगर पालिश कर दें तो कर्ण पालिश, ये रहा पुलिस, मिलता जुलता वर्ड है, लीस लीस भी मिल जा रहा है, बिल्कुल ही याद रहेगा कि बिना किसी दिक्कत के। अगला प्रश्न, खारदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? खारदा का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, इसे खारदा या खुर्दा भी कहा जाता है। ओके, इसका आंसर है सर जॉन सॉर। इसे भी बहुत इजीली याद कर सकते हैं यदि हम यह सोचें कि खारदा यानी कि खुरदरा, और खुरदरा जगहों पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, जाहिर सी बात है शोर तो होगा ही क्योंकि घर्षण होता है वहाँ पे, तो खुरदरा यानी खरदा, खरदा यानी कि खुरदरा, जो भी याद कीजिए मन में बैठा लीजिए कि शोर होने वाला चीज़ है, बिल्कुल ये शोर होगा, सर जॉन सॉर नाम है। आगे बढ़ते हैं। भारत दंड संहिता IPC की स्थापना 1807 में किसके समय में हुई? भारत दंड संहिता IPC की स्थापना 1860 में किसके समय में हुई? ओके, इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अब इसे कैसे याद रखें, तो आप ऐसा समझिए कि कैनी नहीं, यहाँ पे खैनी लिखा हुआ, और खैनी खाना एक तरह का मतलब कि नशा है और इसे अपराध माना जाता है, तो इसे दंड देने की ज़रूरत होती है, तो ये IPC की धारा अपनाई गई 1860 में, तो ये हो गया खैनी खाने वालों के लिए IPC की धारा बनाई गई 1860 में, थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4, प्रेस यानी मीडिया को फ्रीडम दिलाने का कार्य किसने किया, स्वतंत्रता दिलाने का कार्य किसने किया? ओके, इसका आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ। इसे याद रखने के लिए आप यूँ समझिए कि प्रेस जो है वो तो गर्म होता है, यानी कि कह सकते हैं कि इस पर हम ब्रेड सेक सकते हैं तो उस पर कॉफ़ी भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे मेट कॉफ है। मेट को अगर ड समझिए, मेड यानी कि बनाना और कॉफ यानी कॉफ़ी, तो प्रेस पे बनाने के लिए उसने क्या किया, प्रेस को आज़ाद किया ताकि उसे बना सके, प्रेस को स्वतंत्र किया। थोड़ा सा माइंड में क्लू लगाइए, मेट कॉफ क्यों होगा ये सोचिए, बिल्कुल याद रहेगा हमेशा के लिए। इसी प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न मिलेगा आपको कि प्रेस को प्रतिबंधित किसने किया, शायद मिल जाए आगे, देखिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, 1806 में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ? 1806 में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ? इसका आंसर है सर जॉर्ज वर्लो। बहुत आसानी से भी याद होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ वेल्लोर और उनके नाम में लिखा हुआ वर्लो, वेल्लोर वर्लो, क्यों नहीं याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके समय में हुआ था ये बताना है आपको, किसने किया था वो यहाँ पर दे दिया गया है, किसके समय में हुए थे ये बताना है। इसका आंसर है वारन हेस्टिंग्स। आप हेस्टिंग को देखिए,
ये लिखा हुआ है इसमें हस्ती शब्द छिपा हुआ है, हस्टिंग्स, हस्ती शब्द। हस्ती यानी क्या होता है? सेलिब्रिटी। और सेलिब्रिटी अगर बात करें पूरे पैसिफिक में, पूरे महाद्वीप में, सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हस्ती है वारन हस्ती, एशिया यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसी के समय में हुआ था। ये क्लू है आपको याद रखने के लिए, बिल्कुल याद रहेगा भी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अमृतसर की संधि किसके समय में हुई? अमृतसर की संधि किसके समय हुई? इसका आंसर है लॉर्ड मिंटो। अमृत पीकर लोग मिंटो में अमर हो जाते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बीस पियेंगे तो मिनटों में मर जाएंगे, अमृत पियेंगे तो मिनटों में क्या होंगे? अमर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? देखिए आगे प्रश्न है, प्रेस को स्वतंत्र किसने किया था? मैंने पिछले बार पढ़ा था, स्वतंत्र किया था ताकि उस पर कॉफी बना सके, मेटकॉफ था वो। इस बार देखिए, प्रेस को प्रतिबंध किसने किया? इसका आंसर है लॉर्ड वेले जली। देखिए जाहिर सी बात है कि बिल्ली जो है जली, किस कारण से जली? प्रेस के कारण जल गई, इसी कारण से क्या किया उसने? प्रतिबंध लगा दिया। तो लॉर्ड वेले जली इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1835 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, किसके समय चली थी यह बताना है। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। आपको मैं बता दूं, बहुत आसानी से याद रखने के लिए हमेशा के लिए, कि ट्रेन से संबंधित यानी कि रेलगाड़ी और डाकघर संबंधी, संचार सेवा संबंधित, ये सभी प्रश्न जब भी आएंगे तो आप सीधे लॉर्ड डलहौजी टिक करेंगे। आगे आपको प्रश्न मिलेंगे जो मैंने अभी कहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 10, 1881 में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की? देखिए इस प्रश्न को भी बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बढ़ता है जब एक और क्वेश्चन आपको दिखेगा कि प्रथम जनगणना की शुरुआत कब की गई, इसमें नियमित शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन अलग है, इसका आंसर दीजिए। आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। एक और प्रश्न मिलेगा आपको इसी सेट में कि प्रथम जनगणना की शुरुआत किसने की। फिलहाल यहाँ पे याद रखिए, नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। प्रश्न क्या 11, सती प्रथा एवं ठगी प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा एवं ठगी प्रथा का अंत किसने किया? इसका आंसर है लॉर्ड बेंटिक। देखिए यहाँ पे मैं लॉर्ड बेंटिक की बेटी जो है वो पढ़ाई करती है, और आपको मिलेगा एक प्रश्न, मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लॉर्ड बेंटिक ने अपने बेटे के एडमिशन के लिए खुलवाया था, और बेंटी की बेटी जो है उसके साथ कभी सती प्रथा वाली घटना ना घटे इसलिए उसने इसका अंत किया। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा आगे, जो प्रश्न मिलेगा उसके साथ में ही बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए, सती प्रथा का अंत किया ताकि लॉर्ड बेंटिक की बेटी के साथ ये घटना ना घटे, तो ये लॉर्ड बेंटिक इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12, अंग्रेजी भाषा को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? जबकि मैंने जो बात कर रहा था वो आ ही गया प्रश्न। इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए यहाँ पे बेटी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की, अपने चाह रहा है कि बेटी को, चूंकि अंग्रेज है तो अंग्रेजी भाषा को चाहेगा कि इंग्लिश मीडियम में वो पढ़े, पढ़ा करके फिर उसने मेडिकल कॉलेज को खोला, और फिर शादी के समय क्या किया कि सती प्रथा का अंत कर दिया। किसके लिए किया? अपनी बेटी के लिए किया। थोड़ा सा क्लू है, लेकिन 3-4 पॉइंट एक साथ याद हो जाएंगे आपको हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आप जानते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया भी दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेटी पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम से, तो मेडिकल कॉलेज की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पे हो गया मेडिकल कॉलेज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 14, राज्य हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत किसने अपनाया? ये तो सबको मालूम है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, राज्य हड़प नीति। और इसका आंसर डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, लॉर्ड डलहौजी इसका आंसर होगा, बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं।
शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? सबसे पहले शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लिटन, डलहौजी, बताइए। इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और इसे याद रखने के लिए आप ऐसा समझिए कि डलहौजी इतना डल था, इतना भोदू था कि वो शिमला जैसे ठंडा जगह को ग्रीष्म काल का बता रहा था कि वो गर्मी का जगह है, जबकि वो शिमला ठंडी का जगह है। बात यहाँ पे कुछ और है, लेकिन याद रखने के लिए कुछ और याद कर लीजिए। शिमला को वो गर्मी का जगह बता रहा है, इसलिए उसे कहेंगे डल है, डलहौजी, एकदम डल हो जी तुम। पहली संचार सेवा प्रणाली आगरा से कोलकाता के बीच किसने शुरू की थी? आ ही गया प्रश्न, देखिए रेलगाड़ी, डाकघर, संचार सेवा, सब किसके समय? बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी के समय। क्लियर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 1872 में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? देखिए आ गया प्रश्न वही जिसकी मैं बात कर रहा था, नियमित जनगणना और पहली जनगणना। नियमित वाला रिपन था और पहली जनगणना किसके समय हुआ था? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। ठीक है, दोनों का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। लॉर्ड मेयो यानी कि सबसे पहले मैं जनगणना करूँगा, मैं मेयो, उसके बाद नियमित जिसको करना है वो करते रहे, तो रिपन आया रिबन काटने और उतना नियमित जनगणना शुरू किया। सबसे पहले मेयो यानी मैंने जनगणना शुरू की। थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा परीक्षा के तहत उच्च पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिविल सेवा परीक्षा के तहत उच्च पदों की नियुक्ति के लिए, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। और इसकी कहानी है कुछ इस तरह से कि लॉर्ड डलहौजी को कोई डल बोल दिया, बोला ए डलहौजी तुम तो एकदम डल हो जी, एकदम भोदू हो जी। तो इस बात पे वो थोड़ा सा खफा हो गया। उसने क्या किया कि चलो इसी बात पे कम्पिटिटिव एग्जाम करा लेते हैं, पता चल जाए कौन डल है कौन तेज है। तो उसने कम्पिटिटिव एग्जाम कराई सिविल सेवा परीक्षा के तहत उच्च पदों की नियुक्ति हेतु। उम्मीद है आपको पक्का याद रहेगा हमेशा के लिए। आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किस गवर्नर के बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान और कौन सा गवर्नर था श्रीरंगपट्टनम की संधि में? इसका आंसर है लॉर्ड कर्नवालिस। देखिए यहाँ पे कर्नवालिस, इसके पहले आपको मैंने बताया था पुलिस वाला, पुलिस माना जाता था इसे, पुलिस का जनक कर्नवालिस, पालिस करके मैंने याद करा था आपको। तो मान लीजिए पालिस ही है, अगर मान लीजिए तू जूता पालिस करना है तो जूता पालिस करने के लिए रंग की आवश्यकता पड़ती है, रंग और यहाँ पे पालिस, आप समझ गए होंगे, याद रहना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, सहायक संधि प्रणाली किसके समय में हुई? सहायक संधि प्रणाली किसके समय में हुई? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। बहुत ही इजी वे में इसे याद रख सकते हैं, यह कहकर कि विली जो है वो जल गई और इसलिए उसको सहायता की ज़रूरत है। सहायक संधि किसे चाहिए? बिल्ली जल गई है उसके लिए मलहम पट्टी चाहिए ना, तो बिल्कुल ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके समय में हुई थी? स्थापना यहाँ पे होगा किसके समय में हुई थी? ओके, इसका आंसर है वारन हेस्टिंग। देखिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि कोर्ट वाला मामला है, और कोर्ट क्या करता है समझ लीजिए कि वारंट जारी करता है, तो वारंट जारी किया, इसलिए यहाँ नाम जो मिल जा रहा है वारन हेस्टिंग्स का, बिल्कुल याद रहने के लिए बहुत मदद सिद्ध करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 22, 1954 में डाकघर अधिनियम किसके समय में पास हुआ? 1954 में डाकघर अधिनियम, ये मैंने पहले बताया था कि रेलवे, संचार सेवा, डाकघर, ये सब कुछ जितना है सब का सब लॉर्ड डलहौजी का है, बिल्कुल ये क्लियर है। अब है प्रश्न संख्या 23, बंगाल का शेर के नाम से कौन जाना जाता था? बंगाल का शेर के नाम से कौन जाना जाता था? इसका आंसर है लॉर्ड वेलेजली। देखिए फिर से यहाँ पे बिल्ली जो है
उसका जो आप रूप देखेंगे तो बिल्ली का पूंछ होता है, चार पैर, और जो फेस होता है कहीं ना कहीं बाघ यानी टाइगर शेर जैसा मिलता जुलता होता है। बस वही कद छोटा है, आवाज़ अलग है, लेकिन बिल्ली शेर थोड़ा सा मिलाकर देखें तो यहाँ पे बिल्ली जो है याद आएगी बंगाल के शेर के नाम पर, बिल्ली जली, लॉर्ड बिल्ली जली, बिल्कुल क्लियर है। प्रश्न क्या 24, 1857 यानी सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ, सिपाही विद्रोह किसके समय में हुआ, और इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। देखिए यहाँ पे देखिए कैनिंग यानी कि खैनी है, और खैनी मैंने पहले ही बताया था कि खैनी कारण दंड संहिता आईपीसी धारा इसी समय लागू हुई थी, खैनी के कारण ही। तो आप इसे फिर से याद रख सकते हैं, खैनी के कारण ही क्या हुआ, सिपाही लोगों ने विद्रोह कर दिया कि खैनी कोई यूज़ नहीं करेगा। तो फनी थोड़ा सा सोच के याद करिए, शायद याद रह जाए, उम्मीद है पक्का याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस गवर्नर जनरल के समय हुई, और मेरी आशा रहेगी कि आप इसका आंसर दे देंगे। तो एक प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ आप सभी के लिए, आप कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड ये थी मेरी कोशिश मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी गवर्नर जनरल उनसे संबंधित घटना घटी है उनसे संबंधित 25 प्रश्न मैंने इस वीडियो में बताया है। आगे का 25 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा कल ही अपलोड कर दूँ। तो फ्रेंड बताइएगा ज़रूर कमेंट में कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपको ऐसे ही चाहिए या फिर अलग हट के जैसे मैं पहले वीडियो बनाता था उस तरह से डालूँ। और दोस्त यदि आपको स्टडी कॉर्नर ई बुक चाहिए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है। ये मेरे वेबसाइट का जितना भी MCQ आप देख रहे थे सब वेबसाइट का है, वेबसाइट कौन सा है, लिंक क्या है, आपको सब कुछ कमेंट मिल सकता है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं नीचे में, और या फिर आप आ सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है studycornerGK.com। आइए और टेस्ट देकर देखिए, अपने आप को चेक कीजिए, सब यहाँ पे बटन रहेगा, करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन, आपका समय, आपका एग्जाम बहुत अच्छे जाए, आपके इसके लिए ऑल द बेस्ट।